जो आज की वीडियो में तीन स्टॉक्स डिस्कस होने वाले हैं वो पहला है महिंद्रा सीआई, दूसरा है सेल और थर्ड वन हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। वेलकम बैक गाइस, आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगी वहां पर मेरा बाइंग पॉइंट कैसे आएगा, किस तरह से मैं अपना सेल पॉइंट लगाऊंगा, कहां मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो वीडियो में बन रही है, लेट्स गो। सो गाइस, आज हम जिन शेयर्स के बारे में बात करेंगे वो है पहला महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, दूसरा है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और थर्ड है हमारा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हम चलते हैं इनके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो गाइस, टेक्निकल चार्ट्स में जो है यहाँ पर देखिए, महिंद्रा सीआई ने 12 अगस्त 2021 को यहाँ पर 255 का रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके बाद ये नीचे आया, 218 का इसने सपोर्ट लिया है। इस यहाँ पर इस रेंज ये 218 की है, फिर ये अप ट्रेंड में शुरू हुआ, 222 से 225 के बीच में इसने रेजिस्टेंस लिया है। फिर एक और दिन 5 अक्टूबर को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने जा रहा था, पर इसने दोबारा 255 के अराउंड ही रेजिस्टेंस लिया है 5 अक्टूबर 2021 को। फिर इसने कंसोलिडेट करा और यहाँ पर 240 की सपोर्ट बनाई है कुछ पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में। अब इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, ये आप देखिए, ये जो ऊपर निकला था फिर ये दोबारा इसने क्लोजिंग नीचे दे दी, इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। बट आज जो है इसने क्लोजिंग भी ऊपर दी है और इसने जो है रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी तरह से पार करा है विद अ ह्यूज वॉल्यूम्स। पहले के वॉल्यूम देखिए और अब आज के वॉल्यूम देखिए कितना ऊपर है। अब हम इसका जो बाइंग पॉइंट और सेल पॉइंट निकालते हैं, अगर मैं कल यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा पहला स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 240 का, जो कि है 10%, और जो दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा वो है मेरा यहाँ से मैं 220 का, जो यहाँ पर सपोर्ट बनता है ना, तो सपोर्ट था यहाँ पर 222 से 225 तक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि एक दो दिन में आ जाएगा, तो इसलिए मैं लंबा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर चलूँगा 16% और 10% का टारगेट वहीं। अगर मेरा 10% का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ यहाँ पर, तो 10% का मैं टारगेट लेने जाऊँगा जो कि बन रहा है हमारा 290, और दूसरा टारगेट जो हमारा बनेगा वो 16% का है, तो वही बनेगा हमारा 307 से 310 की रेंज में। फटाफट चलते हैं हम दूसरे शेयर की तरफ, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। कई सेल ने जो है यहाँ पर एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन दे दिया था, जो कि इस दिन 7% टूटा था। यह 20 अगस्त से ये फिर चलता आ रहा था, फिर इसने इसका टॉप का 20 अगस्त की इसका टॉप जो था वो 125 था, दोबारा से इस रेंज में आके इसने 125 का रेजिस्टेंस लिया जो कि 3 सितंबर को है, फिर दोबारा, और जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी थी, बट आज जो है इसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है विद सपोर्ट ऑफ, जब ये इस रेंज में था, ये काफ़ी लंबी रेंज है देखिए, 20 अगस्त से लेकर और आज जो है 18 अक्टूबर, लगभग 2 महीने हो गए हैं इसी रेंज में इसको शेयर्स को घूमते घूमते। इस दौरान इसने बीच में 105 का सपोर्ट बनाया है, फिर इसने इसको पार करा और उसके बाद 115 का सपोर्ट बनाया है। तो अगर हम इसमें कल को इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो पहला हमारा सपोर्ट बनेगा 115 से हल्का से नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका है 11.5% का स्टॉप लॉस। फिर अगर हम 11.5% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हम मिनिमम 11.5% का टारगेट भी लेंगे, जो कि बन रहा है 144 और 140 के अराउंड स्टॉप लॉस लगेगा 115 के नीचे, और टारगेट रहेगा हमारा 140। तीसरे शेयर की तरफ चलते हैं। तो तीसरा शेयर हमारा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसने रेजिस्टेंस लिया था 3230 और 3240 के अराउंड यहाँ पर, ये 30 जुलाई था और ये 16 सितंबर। तो इसने इस रेजिस्टेंस को अभी तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, बट ये सपोर्ट पे है, यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद इस सपोर्ट पे 2600 के सपोर्ट पे आया था, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ पर 2600 का रेजिस्ट, आप ये दोबारा सपोर्ट लेगा, बट इसमें इन्वेस्टमेंट तब होगी जब मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देख लूँगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2600 के थोड़ा नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारा टारगेट इसमें
टारगेट हमारा 3240 के अराउंड ही रहेगा, और इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा। मतलब अगर आप देखो तो 2600 के नीचे अगर मैं 2550 भी लूँ तो मात्र 6% का स्टॉप लॉस है, और आप वहीं अगर टारगेट देखेंगे तो टारगेट आपको 17-18% मतलब अगर 6% का अगर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 18% का, इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम मिलता है। पिछले 2 शेयर्स में तो 1:1 है, बट इसमें जो है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। गाइज इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर कर रहा हूँ बस, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उस हिसाब से कीजिएगा कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, क्वांटिटी उतनी लीजिएगा जितनी आप लॉस बेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को ये 3 शेयर्स में कहाँ इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूँगा, स्टॉप लॉस, बाइंग पॉइंट और सेल पॉइंट मेरे कहाँ कहाँ होंगे वो आपको समझ में आ गया है, मैंने टेक्निकल बेसिस में आप सबको बताया है। किसी और शेयर से रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।